तो कैसे हो मेरे जितने बड़े डीजे वाले भाइयों, आशा करता हूँ सभी से सभी खुश होंगे। और फिर से आपका एक राधे राजपूत डीजे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आशा करता हूँ सभी से कि सभी लोगों का प्यार मिला मुझे और सभी लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया। और आज की वीडियो में एक छोटा सेटअप लेके आया हूँ जो कि आपके लिए ये जानकारी दूंगा इसमें, जो कि किसी यूट्यूब चैनल वाले भैया ने शायद मेरे दिमाग से जानकारी नहीं दी होगी। ये जो छोटा सेटअप है, ज़्यादा ना तारीफ करते हुए आपके लिए थोड़ा समझा दूं कि जो मेरा छोटा सेटअप है, आपके लिए एक जानकारी बताऊंगा इसके बारे में, जो कि आपके लिए सुनने के बाद में और देखने के बाद में बहुत ही ज़्यादा बेटर लगेगा। लेकिन भैया सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरी वीडियो के लिए शुरू से लेकर अंत तक देखें। और जिस जो बंदा मेरी वीडियो के लिए देख रहा है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो नीचे रेड कलर पर सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे। और भैया अगर मेरे से भी जो भी कमी हो जाए तो वो भैया कमेंट में उससे पूछ सकता है, या फिर मैं इसमें आपके लिए इतने मिनी सेटअप में मैं आपके लिए बताऊंगा कितनी मशीन यूज होगी, या फिर कितना सेटअप, या फिर कितने वाट का एक सेट यूज होगा। इसमें वोल्टेज के बारे में बात करेंगे आज, और प्लस मतलब एक लाइनर लगा रखा है मैंने, और दो टॉप है मेरे पास 12 इंची, और एक बेस है मेरे पास 18 इंची, वो भी 3.5 फुट ही है। और इसमें JBL का मॉडल है, कमल में है, अच्छी क्वालिटी का है, थोड़ा चला हुआ है। लेकिन जो इसकी बात करने जा रहा था, अब उसकी बात पे अमल करते हैं थोड़ा सा, और बात भी करते हैं और जानकारी भी लेते हैं। जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि भैया जितने बड़े बड़े सेटअप वाले डीजे वाले होते हैं तो छोटे प्रोग्राम के लिए ये समझते हैं जैसे कि भाई कम पैसे दे रहा है, नहीं बजा पाऊँगा। तो भाई सभी से ये कह रहा हूँ, अगली बार लॉकडाउन हो गया था, कुछ बंदे मैं मानता हूँ कि भाई जितने बड़े डीजे वाले भाई हैं, थोड़ा काम नहीं अच्छा चला, अच्छा तो चला जो भी है, क्या है कैसे, अब भाई चार महीने पूरे खाली जाएंगे इनके, कभी कभार जो काम लग गया लग गया। तो सभी से आशा करता हूँ कि जितने बार काम आए, बुकिंग आए, तो छोटा मिनी सेटअप ये लगाएं, कम पैसों में काम कर लें, 1000 में, 1500 में, 3000 में, 2000 में, जैसा भी आपके लिए डीलिंग हो जाए उस हिसाब से कर लें। किसी भी ग्राहक के लिए आपके लिए लौटाना नहीं है कि भैया मैं इतने में नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि परेशानी प्रत्येक भाई, मैं मानता हूं डीजे वाले जितने पर मेरे भाई हैं सभी पर परेशानी है, क्योंकि भाई स्टॉप हो गया है जितना पर काम था। तो ये जो सेटअप है इसके बारे में आज बात करते हैं। जैसे कि इसके बारे में मैं ये भी बताऊंगा कि दो मशीन कैसे कैसे लगेंगी, 18 इंची और 15 इंची पे, वो 12 इंची पे। और ये भी बताऊंगा जैसे कि एक मशीन से कैसे चलाओगे आप, एक मशीन से कैसे चलाओगे, इसकी जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। दोबारा से बोल दूं भैया शुरू से लेकर अंत तक ही मेरी वीडियो के लिए देखें। और जिसके लिए लेना हो ये सेटअप, तो उसकी रेट की बात बाद में करेंगे। चाहिए तो मेरे में कमेंट से बात कर सकता है, कैसे भी बात कर रहा है, मेरे से फ़ोन पे भी बात कर सकता है। तो इसकी बात करते हैं सबसे पहले डी से चलाने की। तो करीब करीब कम से कम तकरीबन 4000 वाट से बजेगा ये इतना सेटअप। अब कुछ बंदे ये कह रहे होंगे कि भैया इतना छोटा सेटअप है, 4000 वाट चाहिए इसके लिए। हाँ भैया 4000 वाट चाहिए। वो कैसे चाहिए कि इसका जो बेस का है स्पीकर 1200 वाट पर स्पीकर है। अब 1200 वाट पर स्पीकर का मतलब हो गया 12 × 2400 वाट, तो एक हो गया 2400 वाट कम से कम बैठेगा। आप 1000 वाट मान लो स्पीकर, तो 2000 वाट बनता है। और इसका जो मैं बता दूँ, जो 12 इंची मेरा लगा हुआ है वो 3 इंची कॉइल है, वॉइस कॉल जो इसकी है 3 इंची कॉल है। और इसका लमसम वाट बैठेगा एक स्पीकर का 450-400 वाट, कम से कम 400 वाट बैठेगा। 400 वाट का मतलब क्या हुआ कि 400-400 आपका 800 हो गया, 800-1600 हो गया, इधर आपका 2000 हो गया। तो कम से कम इतना सेटअप होना चाहिए। और इसका जो मैंने पीछे से तार निकाल रखा है, प्रत्येक स्पीकर का अलग अलग निकाल रखा है। तो इस सेटअप के लिए जब हम बजाते हैं, जैसे कि आपका जन्मदिन हो, या फिर आपका छोटा सा प्रोग्राम हो, या फिर केक कटरी हो किसी बंदे की, या फिर भैया और कोई प्रोग्राम हो घर में, कोई फंक्शन हो थोड़ा बहुत हल्का बल्का, तो इसके लिए मैं भेज देता हूँ भैया 1500-2000 रुपये में। मैं मना नहीं करता हूँ, जो भी है मेरा भी काम डीजे का है, मैं बार बार वीडियो में यही बताता हूँ। और वीडियो की जानकारी तो इसलिए लेके आया था भाई, 4 महीने चल रहे हैं, तो 4 महीनों में ये है कि कभी काम आता कभी नहीं आता है। तो किसी बंदे के लिए वापस मत करो, अगर वो बंदा 1000 रुपये भी दे रहा है तो उसके लिए 2 बॉक्स दे दो भैया, मशीन दे दो, अपना बंदा भेज दो, उस बंदे का तो काम चलेगा जो मतलब कि आपके पास रहता है। 300 ले, 400 ले, कोई दिक्कत नहीं है, उसे बजा के आने दो,
600 आपकी जेब में आएगा या पर 500 आ जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है, 4 महीने ऐसे काट लो। तो वीडियो भाई जुड़े रहें और आपकी जो मुलाकात हो रही है वो हो रही है राधे राजपूत डीजे यूट्यूब चैनल से। एक मेरा चैनल और है डीजे सत्यवीर भाई के नाम से, डीजे सत्यवीर भाई के नाम से सॉन्ग सुन सकते हो और बढ़िया बढ़िया बेहतरीन वाली मिक्सिंग ले सकते हो। और गाना भी बनवाना हो तो इनसे संपर्क करें, नीचे लिंक में आपके लिए नंबर मिल जाएगा, ठीक है। गौर से वीडियो के लिए देखें। अच्छा, इसकी अब बात करते हैं। जैसे कि हमने बोला था आपसे 4000 वाट, ये अभी अभी तुम्हारा 500 वाट और 1000 वाट से और बच जाएगा। जैसे आपके पास छोटा सेटअप है, ना फूकने की कोई दिक्कत हो, तो आप 500 वाट तो इन स्पीकर पर लगा, मैं जो कि आपका 12 इंची लगा हुआ है मेरा, और नीचे वाला जो सेटअप है उस पर लगा दे 1000 वाट। तो अपने घर में या फिर गैलरी में जो गली होती हैं उनमें लगा सकते हो, बढ़िया सेटअप बजेगा बिंदास वाला, ठीक है भैया। एक चीज़ की और बात कर लेते हैं, जैसे कि किसी डीजे वाले जितने बार बंदे हैं मेरे काम करते हैं प्लस काम करने जा रहे हैं या फिर करते हैं, कभी भी भविष्य में ध्यान रखना कि आप जब 4000-5000 रुपये की साई बजा रहे हो तो आपके लिए 1000 रुपये की बजानी पड़ेगी, आपकी मजबूरी है। वही बात कहूँगा, मेरी पहले नंबर तो आप मेरी पहले बात सुन लो कि मैं ऑलरेडी फेंक वीडियो नहीं बनाता हूँ, ऑलरेडी जो है मेरे पास वही बनाता हूँ। ये नहीं कि कहीं से कुछ दिखा दिया, कहीं से ये दिखा दिया वो दिखा दिया, भैया मैं ऑलरेडी अपनी दुकान पर ही बनाता हूँ, अपनी दुकान पर ही जानकारी देता हूँ। ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा इस वीडियो में और ना ही ज़्यादा आपके लिए परेशान करूँगा भैया। अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो भैया लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो नीचे रेड कलर का बटन है उसके लिए भी दबा लें और लाइक तो ज़रूर ही कर दें, ठीक है भैया। तो ये मैंने आपके लिए मिनी सेटअप दिखाई दिया है जो कि आप छोटे मोटे प्रोग्राम में लगा सकते हो। तो ज़्यादा नई वीडियो लंबी खींचते हुए भैया, राधे राजपूत डीजे यूट्यूब चैनल आपके लिए स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और भाई आपने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो दोबारा बोल दूँ सब्सक्राइब कर लें। और जो जैसे कि ये 18 इंची है, थोड़ा इसके लिए दिखा दें, अब जैसे कि ये मेरा 18 इंची है इसके बारे में बात कर लें। 16 गेज की जाली यूज़ कर रखी है जो कि ज़्यादा नहीं है हिलेगी, और बेस के मामले में अच्छी क्वालिटी की है। जैसे कि 3.5 फुटी इधर है, 3.5 फुटी पीछे की बैकग्राउंड इसकी मैंने करा रखी है 2.5 फुटी। और कुछ लोग ऐसे करा लेते हैं जैसे कि आपका 27 इंची हो 28 हो, लेकिन मैंने पूरा 2.5 फुटी कराई है और 3.5 फुटी ये आती है बिल्कुल। ये तो पूरा रेट जो इसका नाप है वो जाली का ही है। तो आशा करता हूँ सभी से कि मेरी वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मिनी सेटअप आपके लिए दिखाई दिया है, अच्छा सेटअप बजता है, और शायद मेरे दिमाग से आप इसके बारे में सोच भी नहीं पाओगे, इतना तगड़ा बजता है भाई, जवाब नहीं इसका। मानता हूँ आप 4 बॉक्स लगा रहे हो, 2 बेस लगा रहे हो, नहीं सिंगल बेस है मेरे पास, 2 टॉप लगा हुआ है, वो क्वालिटी आती है धमक पंच कर्री वाली। अच्छा, इसका जैसे कि मैंने 2 12 इंची बग के बारे में जानकारी दे दी, ये मेरा बीच में लाइनर लगा हुआ है, लाइनर मैं इसलिए लगा के चलता हूँ जैसे कि सिंगल स्पीकर ही हो, हाइस होगी 450, इसमें मैंने दो दो पीस लगा रखे हैं। तो दो पीस का मतलब क्या होता है कि जैसे दो पीस बजेंगे तो कम से कम आप मान के चलो 6 हाइस बजेंगी इसमें, तो अपने आप ही क्वालिटी आएगी, ठीक है भैया। तो ज़्यादा ना वीडियो खींचते हुए चलते हैं भैया अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड लक भैया।